कितनी गंदगी हो रखी है। तो इसी मामले में क्या हुआ, 30 तारीख की बोर्ड की मीटिंग थी। बोर्ड की मीटिंग में सफाई कर्मचारियों की मांगे रखी गई थी, ये इनकी मांगे थी, ये सारी मांगे हमने बोर्ड की मीटिंग में इनकी रख ली गई थी। जो कोरोना काल में जो उनके पैसे नहीं मिले थे उसके हमने 7,500 रुपये क्योंकि 7,500 रुपये इन्हें मिले और उसके बाद इन्हें जल्द से जल्द 15 दिन के भीतर वो पैसे मिले। जैसे 13 महिलाएं रामपुर में निकाली गई थी कि उन महिलाओं को लगाए, सारी मांगे हम उनकी बोर्ड की मीटिंग में रखी गई थी। अब बोर्ड की मीटिंग बिना कुछ कारण बताए मेयर साहब ने ये देखे कैंसिल कर दी। तो ये पूछना चाहते हैं क्यों कारण करी, इसका मतलब तो ये कर्मचारियों को हित नहीं चाहते मेयर साहब, ये हड़ताल नहीं खुलवाना चाहते हैं। हम अपने सभी भाई कर्मचारी और बहनों के साथ बिल्कुल अड़कर हैं, इनकी तनख्वाह 20 से 25 हज़ार हो ये हो, हम बोर्ड की मीटिंग में सब चीज़ें रखेंगे जितना हम लोकल बॉडी में हम कर सकते हैं। हम अपने कर्मचारियों सबके साथ हैं और हमारे 40 पार्षद बिल्कुल एक साथ हैं, हम कर्मचारियों के लिए बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे। और मेयर साहब की गलत बात है, इसमें कारण नहीं बता रहे कि किस वजह से इन्होंने हाथों हाथ एजेंडा आ रहा है, 27 तारीख को एजेंडा आया और उसके बाद एक घंटे बाद कैंसिल का भेज दिया, क्यों भेज दिया, इसका मतलब एजेंडा ही नहीं भेजना चाहिए था, इन्हें भ्रमित कर रहे हैं कर्मचारियों को। तो ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं मेयर साहब इस तरह के? मेयर साहब अपनी तानाशाही चलाना चाह रहे हैं, उनकी तानाशाही नहीं चलेगी। जो एक गलत है मैसेज, जैसे कहते हैं कि अधिकारी करें, अधिकारी ने कई बार कर्मचारियों के लिए हित के लिए सुलझा करने के लिए बात करी मगर कोई बात नहीं। कहीं मेयर साहब ने एक बार भी कर्मचारियों को ये नहीं कहा कि ऐसे, जब कर्मचारियों के हित की बात हो रही है बोर्ड की बैठक होनी चाहिए तो ये मैं पूछता हूँ कि क्यों कर रही है ये। हम चाहते हैं 30 तारीख को बोर्ड की बैठक हो और सभी कर्मचारियों को इंसाफ मिले जो उनकी। अभी आप लोग कुछ पार्षद थे जो विधायक जी के साथ जो है शहरी विकास मंत्री सब मिले, क्या कारण रहा इसमें मिलने? ये हम कर्मचारियों के इसमें हम वहाँ शहरी विकास मंत्री को हमने ज्ञापन दिया जो है राज्य स्तर की मीटिंग के लिए दिया गया, राज्य स्तर की तो राज्य स्तर से ही होंगी। हमने मुख्यमंत्री के पास भी किया, हमने ज्ञापन दिया कि हमारी रुड़की में ऐसे हो रहा है, हमारे सफाई कर्मचारी और बहने परेशान हो रही हैं, उनकी मांगों के ही हमने ज्ञापन दे गए थे। कांग्रेस से कुछ रिलेटेड विधायक जी के साथ जा गए हैं, माहौल वो बात झूठ है, आप लिख सकते हैं सारे पार्षदों के नाम आपके पास है, मैं खुद बीजेपी से हूँ। अच्छा दबाव बनाया जा रहा है, कहने वाली बातें हैं क्या, कुकात कोई ऐसा काम तो नहीं है, मगर ये है कि जो भी काम है जो मेयर साहब गलत काम करेंगे मैं उसके ऊपर आवाज उठाऊंगा जरूर। कुछ पार्षद इस कुछ नहीं है, कुछ पार्षद कारणवश कोई बाहर है कोई है, जितने पार्षद आ चुके उतने पार्षद यहाँ पर है, अभी 15-16 की पार्षद की इतने थे जो यहाँ पर थे, कुछ बारिश की वजह से नहीं आ पाए, ऐसे भी है, सब पार्षद एक है, पूरा पार्षद परिवार एक है, मतलब पार्षद सब एक है, कर्मचारी के ही है, इसको बिना कारण जो उन्होंने स्थगित करी है इसका मतलब मेयर साहब कर्मचारियों के हित में नहीं है। कि कर्मचारी हित जब बोर्ड की बैठक होगी वही मानदेय भरा जाएगा, जो भी उनके कार्य है जितने उन्होंने हमारी मांगे रखी थी उन्होंने हमें मांगे रखी, हमें हम पूर्ण जितने भी वो हैं पार्षद हम उन्हें उनके साथ हैं और बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहेंगे। मंत्री जी ने आश्वासन दिया जल्दी शायद इसमें कुछ आपको सूचना मिल जाएगी, वो आपके माध्यम से भेज दी जाएगी, आपको दी जाएगी। पुतला दहन जो किया गया यार आपके माध्यम से, मैं ये बताना चाहता हूँ जो हमारे कर्मचारी सफाई कर्मचारी पिछले 10 दिन से 12 दिन से हड़ताल पे हैं, उनको मेयर साहब ने खुद जाकर ये कहा कि आपकी सैलरी रुकवाने के लिए कुछ पार्षद ऐसे हैं जो नहीं करना चाह रहे, ये गलत है। 40 के 40 पार्षद जो चाहते हैं उनको 25,000 सैलरी कर दो, बोर्ड की मीटिंग बिठाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति मेयर साहब को ही है। ये जो हड़ताल करा रखी है वो सही होने के लिए
हमने बोर्ड में एजेंडे में सारी चीज़ें उनकी मांगे लिया है। इन्होंने बोर्ड 30 तारीख का स्थगित कर दिया। इसका मतलब ये चाहते हैं कि शहर के अंदर व्यवस्था सफाई की सुचारू ना रहे। हम इनसे पूछना चाहते हैं इन्होंने क्यों स्थगित की ये मीटिंग, आपने बोर्ड की मीटिंग क्यों स्थगित की? आप बोर्ड की मीटिंग करते, जो कर्मचारियों की डिमांड है मैं उस वक्त पूरी करते।